मिठू, चावल पक चुके हैं और मैंने डाल लिए हैं प्लेटों में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, क्या हाल है? उम्मीद है आप ठीक होंगे। अल्लाह ताला के हुजरत करम से मैं भी ठीक हूँ। तो शुरू करती हूँ आज की रूटीन। तो दोपहर की रूटीन है, खाना बनाने लगी हूँ। तो प्यारे व्यूअर्स, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और मेरी वीडियो को शेयर किया करें और चैनल को सब्सक्राइब किया करें। तो शुरू करते हैं आज की रूटीन, चलते हैं चूल्हे के पास। तो आ जाएं, साथ रहिए। मिठू 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 मिठू, दोपहर का टाइम हो रहा है और मैं बैठी हूँ ये लहसुन प्याज वगैरह बनाने के लिए। तो दोपहर के लिए ना देखती हूँ अब क्या बनाना है। तो पहले मैंने कहा ये लहसुन प्याज बना लेती हूँ और आलू वगैरह छील लेती हूँ और देख ले मेरा मिट्टू कितनी शादी कर रहा है। मिट्टू मिट्टू, तो अभी ये बना के रखती हूँ, फिर सोचूंगी कि आज क्या बनाना है। सब्जी बनाते हैं या कोई चावल वगैरह बनाने का इरादा है। मेरी मिठू की शरारतें देख ले, जब मैं बैठ जाती हूँ ना इधर सब्जी बनाने के लिए तो इतने ना इतनी शरारतें करनी होती है। तो अभी मैं ना बैठी हूँ चूल्हे के पास। तो मैंने बनाने हैं आज दोपहर के लिए चावल आलू वाले। तो मज़े के बनते हैं आलू वाले चावल। तो बच्चों ने आना है स्कूल से, तो उनके आने से पहले ही ना मैंने जब बनाने हैं तो अभी मैं शुरू करती हूँ बनाने। पहले मैं दिखाती हूँ कि रात को जो मेरे ऊपर ऑयल गिरा था तो उससे ना ये देखें ये बने हैं थोड़े से, तो बच बचाव हो गया क्योंकि उसी टाइम इस पे ना वो लगा लिया था दवाई लगाई थी। तो सारी के पापा जो है ना वो खुद दवाई बनाते हैं जले की, तो इनके पास से ना काफ़ी दूर दूर से लेने के लिए आते हैं दवाई। बहुत ही ना फायदे की है, तो उससे ना ज़्यादा फिर जलन भी नहीं होती और बच बचाव हो जाता है, छाले वगैरह नहीं बनते। टाइम से लगा लेना। तो जलन तो पहले शुरू में काफ़ी हुई लेकिन ये देखें इतने रह गए हैं, बाकी भी इधर पाँव पे भी हैं। तो ये मैं दिखा रही हूँ कि ऐसे हो गए हैं ये। तो शुक्र है अल्लाह का कि मैं बच गई हूँ और अब दोबारा से ये काम शुरू कर दिया है। तो रात को तो बहुत ही बुरा हाल था, पूरी की पूरी जो कढ़ाई थी ना वो ऐसे हुई ना, समझ ही नहीं आई क्या मसला बना। सारे इधर ऑयल गिर गया, कुछ पाँव पे पड़ गया, कुछ हाथों पे पड़ गया, लेकिन अल्लाह का शुक्र है। तो अभी मैंने ये चावल बनाने हैं तो बना के दिखाती हूँ। मसाला मैंने भून लिया था और अब इसमें आलू जो हैं वो डाल के भून रही हूँ। तो बाहर माशाल्लाह बच्चे खेल रहे हैं और उनके लगी हुई उनके शोर की आवाज़ आ रही है। तो अभी इसमें मैं पानी डालूंगी, पानी पक जाएगा तो फिर ना चावल डालूंगी। चावल पक चुके हैं और मैंने डाल लिए हैं प्लेटों में, तो इधर डाल के रख लिए हैं। ये है सलाद प्याज और टमाटर वाला, नमक मिर्च मसाले डाल के बनाया है, मूलियाँ हैं और साथ चावल हैं। और ये भी सलाद है, इसमें मिर्चें नहीं डाली, सारे उनके पापा के लिए अलहदा रखा है। सारे माजो सलाम कर लो। अस्सलाम वालेकुम गाइस। सारे स्कूल से वापस आ चुके हैं और अब बैठ के सब खाएंगे। सारे चलो अपने पापा को भी दो। चलो जी शुरू करो तुम भी। चलो
खाना खाने के बाद बर्तन उठा लिए हैं और ये सफाई वगैरह भी कर ली हैं, फ्रेश धो लिया है। और अभी जो चावल खाए हैं तो बर्तन इधर पड़े हुए हैं, बर्तन धोए जा रहे हैं। बर्तन धोने के बाद बाकी जो रूटीन होगी वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। बर्तन धो के इधर रख दिए हैं ठिकाने पे सारे। काम ख़त्म हो गए हैं दोपहर के खाने के बाद के सारे, और अब बैठी हूँ चूल्हे के पास तो इधर बन गई है चाय दोपहर के लिए। चाय बन जाएगी तो फिर बैठ के पियेंगे मज़े से। चाय मैंने डाल दी है एक कप में एक प्याली में, तो उठा के पी लो जिसने प्याली में पीनी है जिसने कप में। रात हो रही है और मिट्टी को हम लेके जाते हैं कमरे में, तो इधर फिर सर्दी हो जाती है। इधर ना इसके ऊपर कपड़ा डाल देंगे तो ये सुकून से इधर फिर ना बैठेगा, बाहर सर्दी है। रात हो गई है काफ़ी तो छत पे आई हूँ, इधर इनको दाना डालना था इस टाइम भी दाना डालते हैं सोने से पहले, और चुकुरों को भी डाल दिया है खाना, दाने डाल दिए उनको। दाना खा लेंगे तो फिर उनको ना बंद कर देंगे, अभी ये खा रहे हैं ये देखें। और सर्दी हो गई है इसलिए बाहर इस टाइम कोई नहीं होता, अंधेरे में कोई आवाज़ नहीं आती, तो गर्मियों में रौनकें लगी होती हैं छतों पे, हर तरफ से आवाज़ें शोर, लेकिन अब सर्दी। तो अब ये दाने खा लें, इनको बंद करके फिर जाएंगे नीचे। मुर्गियों को दाने डाल के उनको बंद करके आ गई हूँ छत से नीचे। रात हुई है ना तो अब बैठे थे तो सारे कहता है मम्मा चीज़ें लाए उठा के जो लेके आए हुए हैं तो खाते हैं बैठ के। और ये भी गिफ्ट आया है सारिम को गिफ्ट, ये हमें आया है अमेरिका से गिफ्ट। तो अब मैं ना ये अखरोट खोलने लगा हूँ तो ये मैंने नया तरीका सीखा है। क्या क्या रखा है? हाँ जी क्या क्या रखा है? ये है अखरोट, रेवड़ी, खुबानी, और ये क्या है? मुरुंडा। और सर्दियों में ऐसी चीज़ें खाएं तो बहुत मज़ा आता है, सेहत के लिए भी बहुत ही फायदेमंद है। खाओ। और ये सारी ने छुपा के रखे चीज़ है, अगर बाहर निकाले मैं डाकू मर जाएंगे। ये छोटे बच्चे जो पहले होते थे ना वो ऐसे झोलियों में डालते थे, तो ये इधर छुपा के सारी ने रखे हैं कि आप ही ना ले ले, और इससे ना ये गिरिया नहीं निकाली जाती। तो मुझे कह रहा था कि मम्मी मुझे निकाल के खिलाएं। ऐसे खा रहा है ये।
तो प्यारी बस मेवे जो है ना सर्दियों के वो हमने खा लिए हैं, और मेवे खाते खाते ना सारंग की हो गई अपनी आपी से लड़ाई, तो वो रो पड़ा। उसे बड़ी मुश्किल से मनाया है, ये देख ले लेटा हुआ है, तो अभी भी आंखों में आंसू हैं। दोनों बहन भाई की हो गई नाराजगी, किस बात पे हुई नाराजगी, चलगोजों पे हो गई। तो अब रो रहा था, मजा आया सारे में ना, चलगोजे खाने का मजा आया। तो प्यारी बस ये थी मेरी आज की रूटीन जो मैंने आपके साथ शेयर की, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। पसंद आए या ना आए, मेरे चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर करना प्लीज़, ये आपकी बहुत मेहरबानी होगी। बेल आइकन को दबा लेना ताकि नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके, और दुआ में याद रखना, मैं भी सब बहन भाइयों को दुआ में याद रखती हूँ। शाद रहें, बाद रहें, हंसे मुस्कुराते रहें, इसी दुआ के साथ वीडियो का करते हैं एंड। अगली नई प्यारी सी वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।